नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। वक्त हो चला है उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। रुक करते हैं पहली खबर की ओर। भाजपा संगठन महापर्व का पीएम मोदी 2 सितंबर को करेंगे शुभारंभ। अभियान को लेकर पार्टी ने कसी कमर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को भाजपा संगठन महापर्व की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सदस्यता के साथ प्रदेश में अभियान का आगाज होगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी विधायकों, जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों से विधानसभा स्तर पर लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग का आग्रह किया है। अगली खबर आ रही है रुद्रप्रयाग से। थारू कैंप के पास हादसा। MI-17 से छिटक कर नदी में गिरा क्षतिग्रस्त क्रिस्टल हेलीकॉप्टर। केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर नदी में जा गिरा। दरअसल कुछ दिन पहले हेलीकॉप्टर खराब हो गया था जिसकी रिपेयरिंग होनी थी। MI-17 हेलीकॉप्टर से इस हेलीकॉप्टर को लिफ्ट किया जा रहा था, तभी थारू कैंप के पास वायर टूटने से हेलीकॉप्टर नीचे नदी में गिर गया। वहीं उपराष्ट्रपति धनखड़ आज 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे दून। IIP में वैज्ञानिकों से होंगे रूबरू। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून आएंगे। पहले दिन वह भारतीय पेट्रोलियम संस्थान IIP में वैज्ञानिकों से रूबरू होंगे। दूसरे दिन राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज और एम्स ऋषिकेश का भ्रमण करेंगे। अगली खबर आ रही है देहरादून से। सरकार गिराने की साजिश। विधानसभा से निकला बयान, छूटने लगे अब कई बार। भराड़ी सेन विधानसभा से सरकार गिराने की साजिश का बयानी तीर बाहर आने के बाद राजनीति के महारथियों की प्रत्यंचा से अलग अलग बाढ़ छूटने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर निशंक ने मामले को गंभीर बताते हुए जांच की मांग उठाई, तो उनके समर्थन में पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मैदान में उतर गए। इधर उत्तराखंड टाइगर रिजर्व निदेशक की नियुक्ति पर विवाद। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बयान जारी कर किया आरोपों का खंडन। उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने हाल ही में मीडिया में आई उन रिपोर्टों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक की नियुक्ति में मंत्री, मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों को बायपास कर दिया। उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क के नए निदेशक के रूप में 2004 बैच के IFS अधिकारी राहुल की नियुक्ति पर विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने आरोपों का खंडन किया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज़।